मेरी ओर से नमस्कार, मैं हूं जयंत पटनायक। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है रियाज। मुझे कई दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि हम ज्यादा देर अकेले रियाज नहीं कर पाते, तो इस सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका रियाज करवा पाऊं। तो इसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैं खुद अपना रियाज कैसे करता हूं, और मैं आगे इसके एपिसोड भी बनाऊंगा जिससे आपको रियाज करने में बहुत मदद मिलेगी। तो आप हेडफोन्स लगा के इस वीडियो को चलाकर मेरे साथ रियाज कर सकते हैं। तो आइए ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का कायदा है धत्र गधिकिट गित्र गधिकिट धाती धागे तिन्ना किन्ना धाती धागे धाती धागे तिन्ना किन्ना तात्र गधिकिट गित्र गधिकिट धाती धागे तिन्ना किन्ना धाती धागे धिन्ना किन्ना धा। ये पंजाब घराने का बहुत ही फेमस कायदा है। तो आइए पहले इसके बोल देख लेते हैं। इसके बोल हैं धा त्र क। अब ये त्रक बोल है, जिनसे त्रक नहीं बजता है तो वो तिट भी बजा सकते हैं, उल्टा तिट बजेगा इसमें। धा तिट धातिट धिटत भी बजा सकते हैं, धाती त धी त क। और जो त्रक बोल है उसका चलन देखते हैं, धा त्र क। त्र इसमें सबसे पहले आपने मिडल फिंगर को ड्रॉप करना है, उसके तुरंत बाद पहली फिंगर स्याही पे बजेगी। तो त्र का दो साउंड्स हैं इकट्ठे, ये आपने ध्यान रखना है। त्रक का बोल इस प्रकार बजता है। बोल है धा त्र क धि ट त, धा त्र क धि ट त, धा त्र क धि ट त, धि ट क धि ट त। तो ये मुख्य बोल है इस कायदे का। अब इस पूरे कायदे को देखते हैं। धा त्र क धि ट त धि ट त धि ट त धाती धागे किन्ना किन्ना धाती धागे धाती धाग तो ये है कायदा। आप मेरे साथ अपना तबला लेकर भी बैठ सकते हैं। तो आप सबसे पहले इस बोल को कहीं राइट डाउन कीजिए और इसको याद कीजिए, उसके बाद तबला लेकर मेरे साथ बैठिए, वीडियो को ऑन कीजिए और साथ में रियाज कीजिए। आइए आज का रियाज स्टार्ट करते हैं।
आप इस वीडियो को बार बार प्ले करके अपना रियाज का समय भी बढ़ा सकते हैं। जब आप एक दो दिन इसी टेम्पो पे रियाज कर लेंगे, इसके बाद आप थोड़ा तेज टेम्पो पे भी बजाने की कोशिश कीजिए। तो आइए इन्हीं बोलों को एक तेज टेम्पो पे बजा के उसका रियाज देखते हैं। तो ये था रियाज सीरीज का पहला लेसन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं इस सीरीज में एक के बाद एक रियाज के लेसन अपलोड करूंगा, तो आप मेरे साथ रियाज कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी आइडिया हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। मैं आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ये भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स में मेरे साथ बने रहिए, मैं कोशिश करूंगा मैं आप सभी का रिप्लाई कर सकूं। धन्यवाद।